सिसोदिया के बाद केजरीवाल का नंबर। शराब घोटाला मामले से कैसे जुड़ा है नाम। घोटाले में क्यों और कहां आप चीफ पर आंच। फैसला, हंगामा, प्रदर्शन और गिरफ्तारी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में आप नेताओं के नाम लगातार सामने आ रहे हैं और अब ये जांच धीरे धीरे आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल तक पहुंच रही है। यानी सिसोदिया के बाद अब सीएम केजरीवाल का नंबर भी आ सकता है। आखिर केजरीवाल का इस मामले से क्या कनेक्शन है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। ये फैसला था दिल्ली में शराब नीति को बदलने का और नई शराब नीति को लागू करने का। दिल्ली सरकार ने जिस दिन से नई शराब नीति लागू की थी उसी रोज से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। बीजेपी आरोप लगाने लगी थी कि दिल्ली सरकार दिल्ली के बच्चों को शराबी बना रही है। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही थी कि नई नीति से दिल्ली सरकार का खजाना भर जाएगा। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने नई आबकारी नीति में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी विभाग के अधिकारियों और कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद कई बार सीबीआई ने सिसोदिया को तलब किया और उनके घर, ऑफिस और अन्य बैंक लॉकर तक की तलाशी ली गई और आखिरकार सीबीआई ने रविवार 26 फरवरी को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद ईडी भी आम आदमी पार्टी के दूसरे पदाधिकारियों के खिलाफ अपने केस को मजबूत करने में जुटा है और सिसोदिया की गिरफ्तारी में ईडी की जांच ने भी अहम भूमिका निभाई है, जिसमें ईडी ने 100 करोड़ की रिश्वत का मनी ट्रेल का पता लगाया है। ईडी की जांच के दौरान दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी स्थित एक घर के बेसमेंट से 2 सर्वर मिले थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन्हीं दोनों सर्वर की मदद से मनी ट्रेल का पता लगाया गया। इसकी जांच से दिल्ली की आबकारी नीति में शराब कारोबारियों की भूमिका का पता चला। एजेंसी के सूत्रों ने दावा किया है कि 100 करोड़ की रिश्वत से कम 30 करोड़ रुपए सीधे तौर पर आप पदाधिकारियों को दिए गए। इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए से भी पूछताछ की गई। इसके अलावा हाल ही में डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली के प्रमुख पद से हटाए गए जैस्मिन शाह से भी पूछताछ की गई। अब इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ हो सकती है। एजेंसी ने पिछले महीने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा था कि सिसोदिया के सचिव रहे ब्यूरोक्रेट सी अरविंद ने घोटाले में केजरीवाल की भूमिका का आरोप लगाया। ईडी की चार्जशीट में आगे कहा गया कि अरविंद को सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाया था, जहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। अब ऐसे में सिसोदिया के बाद केजरीवाल तक सीबीआई की जांच पहुंच सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।